फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास नाइन्थ एसेस असाइनमेंट सेमेस्टर टू पार्ट थ्री। ठीक है, पार्ट थ्री में हम लोग एक्सप्लेन दी टर्म्स करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 16 में से क्वेश्चन नंबर 1, वेदर। वेदर इज एन एवरेज ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर एनी स्पेसिफिक टाइम और फॉर अ पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर है रबी क्रॉप्स। The crops taken during winter is called rabi crops. Cold climate suits these crop. Wheat, gram, mustard, etc. are rabi crops. Third number, mango showers. Answer है आप लोग का। Pre-monsoon showers occur during May in Kerala and Karnataka along the Malabar coast. These showers help the मैंगो क्रॉप्स, सो दे आर लोकली नॉन एज मैंगो शॉवर्स और अमरावृष्टि। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, मॉनसून विंड्स। विंड्स विच चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। फिफ्थ नंबर, स्नोफॉल। आंसर है टर्निंग ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमोस्फेरिक इनटू स्नो ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड इट्स फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉटोनी फ्लेक्स इज कॉल्ड स्नोफॉल। इन इंडिया स्नोफॉल ऑकर्स ओनली इन हिमालयाज ड्यूरिंग विंटर। सिक्स नंबर, लिवार्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स। आंसर है द स्लोप विच इज ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द विंडवर्ड स्लोप इज कॉल्ड द लीवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स। विथ रेफरेंस ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयास आर लीवर्ड स्लोप्स। सेवन नंबर, क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ एन प्लेस means the weather condition experienced over a place over a period of 35 years or more. Atmospheric pressure, temperature, winds, humidity, rain, etc. of the place determine its climate. Next and chapter number 16 का last question आता है, question number 8, October heat. आंसर है ड्यूरिंग अक्टूबर डे टाइम टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू क्लियर स्काई एंड देर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। दिस मेक्स द क्लाइमेट सल्ट्राई एंड अनबिरेबली हॉट। दिस कंडीशन इज नॉन एज अक्टूबर हीट और भादरवी ताप। चैप्टर नंबर 17 में से क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर है मनग्रूव्स। आंसर आएगा मनग्रूव्स आर टीडल फॉरेस्ट। दीज आर लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर्स अलोंग द कोस्ट इन इंडिया। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द गुजरात कोस्ट इन द मर्सी लैंड्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन। सेकेंड नंबर, ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट। आंसर है फॉरेस्ट इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 weeks ड्यूरिंग ऑटम आर नॉन एज ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज मॉनसून फॉरेस्ट। थर्ड नंबर, झूम फार्मिंग। आंसर है फार्मिंग ऑन लैंड एक्वायर्ड बाय बर्निंग फॉरेस्ट इज नॉन एज झूम फार्मिंग। फोर्थ नंबर, कॉनीफेरस। आंसर है आप लोग का, कॉनीफेरस मीन्स ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट दैट हैव अ कॉनिकल शेप। देयर ब्रांचेस लीन टुवर्ड द अर्थ सो दैट स्नो कैन इजीली स्लाइड डाउन। ट्रीज लीव्स आर लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्टिकी इन ऑर्डर टू कंजर्व ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिफ्थ नंबर, नेचुरल वेजिटेशन रीजन। आंसर है सिमिलर वेजिटेशन इज फाउंड जनरली इन द रीजन ऑफ आइडेंटिकल क्लाइमेट सच अ रीजन और रीजन्स विच हैव एनवायरमेंटल सिमिलरिटी आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स। सिक्स
सिक्स नंबर एवर ग्रीन फॉरेस्ट, आंसर है एज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट। सेवन नंबर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, आंसर है एवरी नेशन डिसाइड्स इट्स फॉरेस्ट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल ऑफ इट्स फॉरेस्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1988। एट नंबर नेचुरल वेजिटेशन, आंसर है वेजिटेशन दैट ग्रोस एंड डेवलप्स विदाउट ह्यूमन एड इज नॉन एज नेचुरल वेजिटेशन। नाइन नंबर फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ ट्री एंड वेजिटेशन विच ग्रुप्स इन नेचुरल कंडीशन विदाउट ह्यूमन एड, इट इज यूजुअली स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 में से क्वेश्चन नंबर 1 आता है नेशनल बर्ड। द बर्ड विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर बर्ड्स इज चूजन एज अ नेशनल बर्ड। द पीकॉक विच इज द वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड लार्जनेस इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सेकेंड नंबर सेंचुरी, आंसर आएगा आप लोग का एन एरिया दैट इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड इन ओवर टू कंजर्व एज प्रोटेक्टेड एंडेंजर्ड एनिमल्स इज कॉल्ड सेंचुरी। थर्ड नंबर वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। फोर्थ नंबर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर मेंटेनिंग नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड एनिमल्स प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। फिफ्थ नंबर प्रोजेक्ट टाइगर, आंसर है कंसिडरिंग द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द नेशनल एनिमल टाइगर एंड इट्स हंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। सिक्स नंबर खुडखार, द वाइल्ड एज फाउंड इन द लिटल रन ऑफ कच्छ आर नॉन एज खुडखार। सेवन नंबर हर्बीवरस, एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास और प्लांट आर नॉन एज हर्बीवरस फॉर एग्जाम्पल डियर। दीज एनिमल्स आर फ्रॉम द सेकेंड स्टेप ऑफ द फूड चैन। एट नंबर कार्निवरस, आंसर है एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स आर नॉन एज कार्निवरस फॉर एग्जाम्पल लायन। दीज एनिमल्स फ्रॉम द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप ऑफ द फूड चेन। तो यहाँ पे आपका पार्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको बर्ड पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं में, जय हिंद जय भारत।